गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 30, एक्सरसाइज नंबर 4। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। अब हमें इस सेंटेंस को किसमें चेंज करना है, नो सूनर देन लगा के। एज सून एज द लास्ट बेल रिंग द बॉयज लेफ्ट द क्लास। नो सूनर डिड द लास्ट बेल रिंग देन द बॉयज लेफ्ट द क्लास। सेकेंड नंबर, As soon as the baby saw its mother, it began to weep. No sooner did the baby see its mother than it began to weep. देखिए यहाँ पे did use हो गया है, तो हम saw को किसमें चेंज करेंगे, see में, मतलब verb first में, क्योंकि हमें यहाँ पे already did use कर लिया past के लिए। As soon as the tiger rushed at the hunter, he fired a shot. No sooner did the tiger rush, अब देखिए rush को change करेंगे V1 में, at the hunter, then he fired a shot. As soon as the teacher came, the whole class became silent. No sooner did the teacher come, केम का क्या होगा, कम हो जाएगा, देन द होल क्लास बिकेम साइलेंट। फिफ्थ नंबर, एज सून एज द मदर सॉ हर चाइल्ड वीपिंग शी रैन टू हग हिम। नो सूनर डिड द मदर सॉ का क्या कर देंगे, सी हर चाइल्ड वीपिंग देन शी रैन टू हग हिम। सिक्स नंबर, एज सून एज इट स्टार्टेड टू रेन हैविली द पीपल वेंट इनसाइड देयर हाउसेस। नो सूनर डिड इट स्टार्ट टू रेन, स्टार्टेड का क्या कर दिए, स्टार्ट कर देंगे, टू रेन हैविली देन द पीपल वेंट इनसाइड देयर हाउसेस। एज सून एज राम आस्क्ड हनुमान टू सीक सीता, ही सेट आउट इमीडिएटली। No sooner did Ram ask, asked का क्या कर देंगे, ask Hanuman to seek Sita, then he set out immediately. As soon as it grew dark, then the gates of the colony were closed for the night. No sooner did it grow क्या हो जाएगा, grow dark, then the gates of the colony were closed for the night. नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं, फिफ्थ नंबर एक्सरसाइज में, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। मतलब हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक को चुनना है जो सेंटेंस में मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, फिट हो। देखिए, ही इज बोथ रिच डैश काइंड, सो या एंड, बोथ के साथ क्या यूज होता है, एंड यूज होता है, तो यहाँ पे होगा ही इज बोथ रिच एंड काइंड, मतलब वो रिच भी है और काइंड भी है। ही इज सो पुअर As या that he deserves help. He is so poor that he deserves help. मतलब वो इतना ज्यादा poor है कि उसको help की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या होगा, that use होगा। He is a teacher nor a doctor. देखिए nor है तो nor के साथ क्या use होता है, neither. तो he is neither a teacher nor a doctor. अमित नॉर सुमित इज रिलायबल। अब देखिए नॉर है तो फिर नीदर आएगा, तो यहाँ पे होगा नाइदर अमित नॉर सुमित इज रिलायबल। ही मे गो ईदर टू जयपुर टू दिल्ली। अब देखिए ईदर है तो ईदर के साथ क्या यूज होता है, और, तो और टू दिल्ली। ही मे गो ईदर टू जयपुर और टू दिल्ली। रिया नॉर जिया हैज सीन द ताजमहल। नॉर है तो नीदर, नीदर रिया नॉर जिया हैज सीन द ताजमहल। सेवेंथ नंबर, लेट्स नॉट कट डाउन ट्री, दे आर बोथ ब्यूटिफुल यूजफुल। ब्यूटिफुल एंड यूजफुल, बोथ के साथ क्या होता है, एंड यूज होता है। लेट्स नॉट कट डाउन ट्रीज, दे आर बोथ ब्यूटिफुल एंड यूजफुल। हमें कट नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों क्या है, ब्यूटिफुल भी है और यूजफुल भी है। आई हैव ओनली 100 rupees, यू कैन ईदर टेक इट डैश लीव इट। ईदर के साथ और यूज होगा, तो आई हैव ओनली 100 rupees, यू कैन ईदर टेक इट और लीव इट। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। ज्वाइन
each pair of the following sentence by means of a suitable correlative conjunction, make such changes as are necessary. मतलब हमें सेंटेंस में जहाँ पे कंजक्शन का यूज होना है वहाँ पे हमको कंजक्शन लगाना पड़ेगा और जहाँ पे चेंजेस की जरूरत है हमें उसको चेंज करना पड़ेगा. जैसे ही इज नॉट अ नेव एंड ही इज नॉट अ फूल, तो हम क्या लिख सकते हैं, ही इज नाइदर अ नेव नॉर अ फूल. देखिए नॉट है तो नॉट नेगेटिव सेंस में, तो नेगेटिव सेंस में और हमें दो के बीच में बताना है कि वो ना ही फूल है और ना ही नेव है, तो हम क्या यूज करेंगे, नीदर और नॉर. ही इज नाइदर अ नेव नॉर अ फूल. सेकेंड नंबर, यू मस्ट बी क्वाइट, यू मस्ट लीव द रूम. तो क्या यूज करेंगे, यू मस्ट ईदर बी क्वाइट और लीव द रूम, मतलब आप इधर चुप हो जाइए या रूम छोड़ दीजिए. मतलब हमारे पास दो ऑप्शन, उसको दो ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ नहीं तो रूम छोड़ दो. यू हैव ब्रोकन द विंडो पेन, योर ब्रदर हैज ब्रोकन द विंडो पेन. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ईदर यू और योर ब्रदर हैज, क्योंकि दो लोग हैं तो हैव नहीं यूज होता, हैज यूज होता है, हैज ब्रोकन द विंडो पेन, मतलब तुम या तुम्हारे भाई ने विंडो पेन तोड़ी है. तो दो लोग हैं, दो लोगों में से हमको एक को बताना है और ये पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है. शी इज ब्यूटिफुल, शी इज स्वीट नेचर्ड, शी इज एज ब्यूटिफुल एज शी इज स्वीट नेचर्ड. मतलब वो इतनी ज्यादा ब्यूटिफुल है उतनी ही स्वीट नेचर्ड है. मतलब एज और एज का यूज कहाँ पर, कंपेरिजन करने में, और पॉजिटिव सेंस में हम कंपेरिजन कर रहे हैं. तो शी इज एज ब्यूटिफुल एज शी इज स्वीट नेचर्ड. रामलाल इज पुअर, रामलाल इज कंटेंडेड. दो रामलाल इज पुअर येट रामलाल इज कंटेंडेड, मतलब वो इतना गरीब है किसकी हमें मदद करनी चाहिए. शी क्राइड लाउडली, एवरीबॉडी हर्ड हर वॉइस. शी क्राइड सो लाउडली दैट एवरीबॉडी हर्ड हर वॉइस, मतलब उतना जोर से रोई कि सब उसकी आवाज सुन लिए. मिस्टर रॉय इज क्रूल, मिस्टर रॉय इज डिसऑनेस्ट. मिस्टर रॉय इज नॉट ओनली क्रूल बट ऑल्सो डिसऑनेस्ट, मतलब वो क्रूल तो है ही है उसके साथ साथ वो डिसऑनेस्ट भी है. ही इज नोबल, ही इज काइंड हार्टेड. ये दोनों पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है और कंपेरिजन हो रहा है. तो ही इज एज नोबल एज ही इज काइंड हार्टेड. ये हमने इसको चेंज किया विथ कोरिलेटिव कंजंक्शन.